वेलकम, स्वागत, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी में। और आज हम बच्चों क्या करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं गणित की। एज यूजुअल जैसे हम गणित की चर्चा कर रहे हैं आजकल अपने वीडियो ट्यूटोरियल में, बच्चों गणित मतलब मैथमेटिक्स। और इसमें टॉपिक क्या रहने वाला है बच्चों, हमने क्वाड्रिलेटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं आजकल। क्वाड्रिलेटर हम चार तरह क्वाड्रिलेटर बता चुके हैं, आज पांचवें तरह का हम समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे। समलंब चतुर्भुज को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है बच्चों। तो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज हिंदी में ट्रेपेजियम। तो देखो बच्चों इसकी बेसिक क्वालिटी क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज को ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, इसमें दो पैरेलल साइड्स होती हैं, दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। देखो बच्चों ये हमारी जो भुजाएं हैं ये क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। इसे ए और बी हमने नाम दे दिया, ए बी और सी और डी, ठीक है। और इसके ये वर्टेक्स को इधर से मिला दिया, इसे वर्टेक्स को हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है बच्चों। तो हमारी पैरेलल साइड ये हो गई, ये नॉन पैरेलल साइड हमारी ए बी, इसमें दो साइड्स पैरेलल, इसकी बस एक ही क्वालिटी है बच्चों, जिसमें दो साइड्स, दो साइड, दो भुजाएं या दो साइड भुजाएं, लिख दो भुजाएं समांतर, बस मैं यही पता बच्चों, दो भुजाएं समांतर, तो वो आपका ऐसा हो गया समलंब चतुर्भुज, ठीक है। आमने सामने दो भुजाएं समांतर, तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज की ये हमारी बेसिक क्वालिटी है। अब इसी में देखो बच्चों आइसोसेलियस समलंब क्या आ जाता है, आइसोसेलियस समलंब क्या होगा, जिसमें ये दोनों भुजाएं मतलब कि एसी बराबर, एसी बराबर बीडी, ये हो जाए, मतलब दो भुजाएं बराबर भी हो जाए और एक भुजा आपस में, ये दोनों भुजाएं समांतर, ये दोनों भुजाएं बराबर, तो उसे कहेंगे आइसोसेलियस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, लेकिन एक समलंब चतुर्भुज की ये कोई गारंटी नहीं कि बच्चों ये दो भुजाएं भी बराबर हो, तो इसका मतलब सर हमारे पास इसकी कौन सी क्वालिटी है, एक क्वालिटी है कि आमने सामने भुजाएं, कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर, बात समझे बच्चों, ये इसकी एक बेसिक क्वालिटी है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये हमारी क्वालिटी होगी और इसके डायगोनल क्या होंगे बच्चों, ये डायगोनल ऐसे करके मिला दो, इसकी ए डी और ये बी सी जो होंगे ये इसके डायगोनल्स होंगे। अब बच्चों इसके डायगोनल्स ना ही आप बाइसेक्ट करते हैं, ना ही 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हमें कोई चीज इसके बारे में कोई कंफर्मेशन ज्ञात नहीं है, ठीक है। भुजाएं और कोणों के बारे में क्या बच्चों, इसमें कोणों का कोई नाप नहीं, ना 90 डिग्री है ये और ना ही कोई फिक्स एंगल कोई नहीं है इसमें, तो बच्चों हमें कोणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था, डायगोनल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था, बस हमें सिर्फ साइड के बारे में पता है कि भैया दो साइड इसकी बराबर। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं, इसके बाद बात आती है इसके एरिया की, एरिया मतलब की इसके एरिया का मतलब क्षेत्रफल, सेकंड नंबर बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो बच्चों एरिया इसका कैसे निकालेंगे, देखो एरिया क्या होता है बच्चों, एक त्रिभुज का एरिया हमें पता है 1/2000 गुना ऊंचाई, और नॉर्मल यहां से क्या करते हैं देखो, कुछ ड्राइंग कर लेते हैं, यहां से एक हमने परपेंडिकुलर लंब डाल दिया ई पॉइंट पर, ठीक है, और यहां से भी हमने एक परपेंडिकुलर लंब डाल दिया एफ पॉइंट पर। अब देखो बच्चों ये दोनों बराबर मतलब समांतर हैं, तो बच्चों जब ये समांतर होंगे बच्चों से ऐसी हमेशा पैदल जाएंगे, हमेशा मतलब एक दूसरे से बराबर दूरी मेंटेन करके रखेंगे अनंत तक, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से जो हमने पैदल डाला ये इसकी हाइट कुछ हम मान लेते हैं एच, तो बच्चों ये एच, तो बच्चों ये भी एच, क्योंकि पैदल भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है बच्चों। ये हमने लंबा डाला तो ये 90 डिग्री हो गया और ये बच्चों 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि जो ए बी भुजा थी उसकी वैल्यू ए थी और नीचे वाली जो भुजा थी इसकी वैल्यू बी है पूरी, ठीक है, बात समझ आई बच्चों। अब देखो बच्चों ऊपर वाली ए है तो इतनी बीच वाली भी तो ए होगी, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट बराबर हो गए, तो अब ये जो साइड साइड की बची ये कितनी बची, देखो बच्चों ध्यान से, अब देखो ये इतनी ए हो गई हमारी, इतनी ये ए हो गई बच्चों है, और इतनी पूरी ये भी हमारी बच्चों, ये दूरी धन ये दूरी बराबर कितनी होगी, बी में से ए को घटा दो तो ये दूरी कितनी बचेगी, बी माइनस ए, बात समझ आई बच्चों। ये परपेंडिकुलर मतलब कि हमारी थे एफ डी प्लस यहां से ये सीई प्लस सीई बराबर कितना होगा बच्चों, बी माइनस ए, इतनी बात समझ आई कि नहीं बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हुआ,
कि अब जो हमारा ये चतुर्भुज बन रहा था ए सी ई, ध्यान से देखना ए सी इधर वाला है, इसे उठा के इधर हम ले आए ए सी ई, ठीक है। अब जो बच्चों इधर ही छोटा बंदर, इसे भी जाके ज्वाइंट कर दिया, सिरे तो समान दूरी के थे ना, इसे भी लाके हमने या हमने ऐसे करके बराबर कर दिया। ये पॉइंट हमारा कौन सा था, डी था। और यहाँ हम कुछ एक कॉमन पॉइंट मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, इसे मान लो ओ हमने मान लिया, ठीक है। अब ये दूरी हमारी कितनी निकाली, अभी डी माइनस ए निकाली कि नहीं निकाली बच्चों, ठीक है। तो ये दूरी हमारी कितनी निकल के आई, डी माइनस ए, ठीक है। ये लंब कितना बच्चों, ये एच है। अब देखो बच्चों पूरे इस समलंब चतुर्भुज का एरिया कितना होगा, एक तो ये अंदर वाला एरिया जो हमारा बना, ये क्या कहते हैं इसे, हमारा चतुर्भुज बन गया ना बच्चों। ये चतुर्भुज कौन सा बना, आयत बना, एक तरह से लंब डाला, ये 90 ये 90, ठीक, ऊपर वाला 90 तो हर को 90, और ये भुजा ए है, ये भुजा एच है, ये एक भुजा ए है, एक भुजा एच है। तो बच्चों इस जो आयत बना, आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ, ए इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमने पिछले वीडियो में आयत का लेक्चर पढ़ाया, उसमें हम देख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल तो इतना हो गया, प्लस इधर मतलब लेफ्ट साइड में एक त्रिभुज बना ये वाला और राइट साइड में एक त्रिभुज बना ये वाला, इसका क्षेत्रफल। अब ये देखो पूरा हमने एक त्रिभुज बना लिया कि नहीं बना लिया बच्चों, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक बटे दो, आधार कितना डी माइनस ए, इंटू ऊंचाई कितनी एच, बात समझ आई बच्चों की नहीं आई, ठीक है। अब देखो बच्चों इससे क्या होगा कि एच हमें दोनों से कॉमन मिल रहा है, एच इससे कॉमन ले लिया। अब देखो बच्चों एच हम कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, ले लो कॉमन, अब जो होगा हम देखते हैं। देखो एच हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ए प्लस बी माइनस ए बाई टू, एलसीएम वगैरह लो, एच बाहर है, दो एल दो लोगे इधर बाई वन मान के एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, टू ए प्लस बी माइनस ए बाई टू बराबर एच, ब्रैकेट में कितना बचेगा, दो ए से एक गए एक ए प्लस बी बाई टू। तो बच्चों इसका जो क्षेत्रफल आया कितना आया कि हमारी जो ऊंचाई है और ऊंचाई इंटू भुजाओं का योग बटे दो, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, एक बटे दो गुणा उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई इंटू दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग। बात समझ, इसे आप डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का एरिया कितना होता है। अब बच्चों बात आती है परिमाप की, परिमाप क्या होती है, पूरी माप, मतलब सारी भुजाओं को जोड़ दो ए प्लस बी। और बच्चों अब देखो ये हमारा कर्ण कैसे निकालोगे, दो त्रिभुज हमारे बने तो दो कर्ण कैसे निकालोगे, कर्ण के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, इंटू कर्ण, इधर का कर्ण आपको निकालना है तो क्या करेंगे, रूट के अंदर लंब का स्क्वायर घन आधार का स्क्वायर। अगर बच्चों यही आइसोसेलियस है तो फिर क्या होगा, एच नीचे बटे कितना है बी माइनस ए या बी माइनस ए बाई टू, तो फिर क्या करेंगे हम, इंटू ये तो हमारे ये हो गया बी, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, अब हमें दो भुजाएं और चाहिए ना, क्योंकि ये चतुर्भुज देखो, अब हम चतुर्भुज बनाते हैं अच्छे से। ये मान लिया हमारा चतुर्भुज था, ये कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं बना है तो इसे हम अंडू करेंगे, अच्छा बनना चाहिए, पूरी ड्राइंग मेरी कम अच्छी है, कोई बात नहीं, देखो लेकिन आपकी ड्राइंग तो बढ़िया है। ये हमारा कोई मान लीजिए बना था समलंब चतुर्भुज, यहाँ से हमने ऐसे लंब डाल के और यहाँ से पैदा भुजा की, तो थोड़ा इसे और ऐसे बनाओ, तो यहाँ हमने ऐसे लंब डाल के इसका हम चतुर्भुज बना के दो चतुर्भुज बना के हमने निकाल लिया। तो देखो बच्चों ये ए थी, ये पूरी बी थी, ठीक है, और हमने एरिया तो निकाल लिया, अब परिमाप निकाल ली। तो बच्चों ये भुजा भी चाहिए, मान लो ये कुछ सी है, ये कुछ डी है, ठीक है, और ये मान लिया हमने कुछ एच है, ठीक है। तो अब क्या है बच्चों, अब देखो ये भुजा तो निकालनी पड़ेगी, या फिर इसे कुछ एक्स मानो, तो ये ए है, ये वाली कितनी बचेगी, बी माइनस ए माइनस एक्स बचेगी, तो फिर ऐसा करके ये एच है तो क्या कर सकते हैं, या फिर थीटा आपको गिवन है, ये 90 है से तो त्रिकोणमिति लगा के फिर हम निकाल लेंगे इस सी की लंबाई, वरना आपको सी की लंबाई दे रखी है, सी और डी की लंबाई अगर नहीं दे रखी, अगर बेस आपको पता चल जाए तो भी हम निकाल सकते हैं, रूट के अंदर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लाइक वाइज इस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक साइड कितनी हो जाएगी, बी माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बच्चों ये थोड़ा लंबा सा फॉर्मूला बना है परिमाप के लिए,
ये तो हमने तब बता दिया जब हमारे कुल भुजा जो हमारी है ना दो भुजाएं वो ज्ञात नहीं। अगर आपको भुजा डायरेक्ट ज्ञात होगी तो आप डायरेक्ट सारी भुजाओं के ए प्लस बी प्लस सी डी करके जोड़ दिए, क्योंकि इसमें भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए चारों भुजाओं का योग ही हमारा परिमाप होगा। तो बच्चों हमने देख लिया समलंब चतुर्भुज में कैसे हम निकालेंगे, इसकी क्या बेसिक क्वालिटी होती है, बात सामने आ गई होगी। इसे मोस्टली एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और मोस्टली जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें क्या होगा कि जैसे हमारा ये समलंब चतुर्भुज बना, जो हमारा ये समलंब चतुर्भुज बना ऐसे करके, ये हमारा समलंब चतुर्भुज बना, तो उसमें क्या कह देगा, पहले से दो भुजाएं बराबर दे देगा, वो दे देगा कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दो भुजाएं पहले तो एरिया ज्ञात करो तो आप फटाफट निकाल लेंगे। इसके बारे में अगर नहीं दे रखी हुई होगी तो आप आराम से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने दो त्रिभुज अलग अलग बनाए थे तो आप इन दो त्रिभुजों का अलग अलग बना सकते हैं, ऐसे करके ये आइसोसेलियस बन जाएगा ट्रायंगल, और यहाँ से आपकी जो कर्ण था वो कर्ण बना रहेगा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसी तरह बी माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई या डायरेक्ट फॉर्मूला करके उसे भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन इसके बड़े आसान आते हैं, मोस्टली एरिया के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं, और हो सकता है कुछ और एंगल वगैरह दे दे, क्योंकि त्रिकोणमिति और चतुर्भुज ट्रायंगल मिक्स करके ही क्वेश्चन आते हैं आजकल, ट्रिग्नोमेट्री तो सेपरेट क्वेश्चन कहीं कोई देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, वंदे मातरम।